Hey guys, I'm Mona and welcome back to my channel. So, आज मैंने create किया ये makeup look and ये inspired makeup look. Priya Deepi ma'am को introduce करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका हर कोई जानते हैं and उनके makeup को हर कोई बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मुझे भी उनका makeup बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उन्होंने अपने चैनल पे एक मेकअप लुक क्रिएट किया था जो कि था दुल्हन आफ्टर वेडिंग अपना मेकअप कैसे कर सकते हैं. तो मैंने उनके वो मेकअप लुक को रिक्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश की है. आई होप आपको ये मेकअप लुक मेरा पसंद आया होगा. और मैम के पास जो भी प्रोडक्ट था वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मेरे पास जो भी है प्रोडक्ट मैं उसमें से ही ये लुक क्रिएट किया है. और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और उसके पास जो बेल आइकन है आप उसे भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए. एंड अगर आपको मेरा ये लुक पसंद आए एंड आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी में भी फॉलो कर सकते हैं, डिटेल्स आपके स्क्रीन में मिल जाएगा. एंड जी हाँ, मैंने अपने चैनल पे जो ब्राइडल सीरीज स्टार्ट किया था उसमें मैंने यहाँ पे दुल्हन के लिए ब्राइडल मेकअप लुक किया कैसे कर सकते हैं और प्री वेडिंग स्किन केयर गेस्ट मेकअप लुक काफ़ी कुछ किया है, तो वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया है. सो प्लीज़ आप उसे भी चेकआउट कीजिए. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट मैंने यहाँ पे न्यूट्रीजिना का मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है एंड ये ऑयली स्किन वालों के लिए है क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है और ये मेरे स्किन में बहुत ही अच्छे से सूट करता है, तो मैंने बहुत टाइम से इसे चेंज नहीं किया है. और ये मैंने प्राइमर लगा रही हूँ अभी और ये कलबा का प्राइमर है और मैं यहाँ पे स्पेशली अपने टी जोन में फोकस करके पहले अप्लाई करूँगी. रेस्ट जो भी बचता है मेरे फिंगर्स पे मैं पूरे फेस में इसे अप्लाई करूँगी. और प्राइमर हमारे मेकअप को बहुत लॉन्ग लास्टिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. उसके बाद मैंने यहाँ पे मेबेलिन का फाउंडेशन अप्लाई किया है. इसका शेड नंबर है 310 और ये मेरा शेड नंबर है. इसके काफ़ी सारे शेड्स अवेलेबल हैं और इसे मैं अपने आईज़ पे और अपने पूरे फेस पे टैप टैप करके अप्लाई कर रही हूँ. उसके बाद मैं यहाँ पे एक ब्रश के हेल्प से इसे ब्लेंड करूँगी. आप चाहें तो कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से भी आप इसे ब्लेंड कर सकते हैं. प्रिया मैम ने वैसे कोई कंसीलर यूज़ नहीं किया था उस मेकअप पे, लेकिन मेरे थोड़े से आईज टायर्ड दिख रहे हैं, थोड़े से डार्क सर्कल्स भी हैं, तो मैं उसे हाइड करने के लिए यहाँ पे स्वीट ब्यूटी का पैलेट यूज़ कर रही हूँ और उसे डैब डैब करके अप्लाई करूँगी. और उसके बाद मैं अपने फिंगर के हेल्प से ही इसे ब्लेंड करूँगी क्योंकि मुझे लगता है अगर हम फिंगर के हेल्प से कंसीलर को ब्लेंड करते हैं ये बहुत ही अच्छा सा कवरेज देता है. उसके बाद मैंने यहाँ पर मेबेलिन का कॉम्पैक्ट यूज़ किया है और उसे थोड़ा सा मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लेके अपने कंसीलर को एंड अपने बेस को अच्छे से सेट किया है. प्रिया मैम का जॉ लाइन एंड उनका नोज, उनके फेस का पूरा फीचर बहुत ही अच्छा है, तो मैं अपने फेस को थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए यहाँ पे वही सेम पैलेट से कंसीलर शेड लेके अप्लाई कर रही हूँ और इसे भी मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी. ब्लशर के लिए उन्होंने एक पी शेड का यूज़ किया था, तो मैंने यहाँ पे मिस क्लेयर का पैलेट से एक पी शेड को एज अ ब्लशर अप्लाई किया है. ये बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है ये कलर्स. पूरे आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे SFR पैलेट का यूज़ किया है और इसके शेड्स काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड हैं, तो उसमें से मैंने एक लाइट ब्राउन शेड लिया है और अपने आईब्रोज को मैं फिल कर रही हूँ. आई शेडो के लिए उन्होंने एक मेटालिक कलर का यूज़ किया था, तो मैंने वही सेम पैलेट से ये थोड़ा बहुत सिमिलर कलर है उनके जैसा वो कलर को अपने दोनों आई लीड्स पर मैंने अच्छे से अप्लाई किया है और ये सारे कलर्स बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हैं. लाइनर के लिए मैंने यहाँ पे लैक्मी का इंस्टा लाइनर का यूज़ किया है और उन्होंने बहुत ज़्यादा बोल्ड लाइनर ड्रॉ नहीं किया था, तो मैं भी यहाँ पर बस छोटा सा विंग लाइनर ही ड्रॉ करूँगी, एक सिंपल सा.
मैं यहाँ पे कोई भी फॉल्स आईलेसेस का यूज नहीं कर रही हूँ। इसके लिए मैं फर्स्ट वेगा के आईलेस कलर से अपने आईलेसेस को थोड़ा कर्ल कर रही हूँ और उसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी। एंड ये दोनों ही काफी अफोर्डेबल है एंड काफी अच्छे भी हैं। तो मैं यहाँ पे अभी मेबेलिन का वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा यूज कर रही हूँ एंड ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला मस्कारा। और वही सेम पैलेट से मैंने एक हाइलाइटर शेड लिया है और उसे अपने फेस के हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए मैंने यूज किया है। एक लिक्विड लिपस्टिक लगाया था वो भी थोड़ा सा ब्राउन या मेरून ऐसे कुछ शेड में था और मेरे पास कोई भी उस शेड का लिक्विड लिपस्टिक नहीं है तो ये थोड़ा सा मेरून कलर में जाता है। ये रिवलॉन का है तो मैं ये अप्लाई कर रही हूँ और अपने पूरे मेकअप को फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर का यूज कर रही हूँ और थोड़ी देर बाद मैं एक ब्लेंडर के हेल्प से पूरे मेकअप को थोड़ा सेट कर दूंगी। मैं पूरे मेकअप लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने बिंदी एंड सिंदूर लगाया था तो मैंने भी बिंदी एंड सिंदूर लगाया है और मेरा पूरा फाइनल मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है। सो कैसा लगा ये मेकअप लुक, मैंने कितना जस्टिस किया उनके मेकअप लुक के साथ, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है देन प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए, उसके पास जो बेल आइकन है आप उसे भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। Bye, take care.